हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1000 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सो अगर आप कोई इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तीन वीडियोज़ ऑलरेडी पब्लिश हुए हैं ये सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू फोर्टी सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द पॉइंट्स इन ए स्ट्रेस ट्रैन कर फॉर ए स्टील ओके सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है सो एक कंपोनेंट आपके पास है और अगर वो स्टील का बना हुआ है और अगर आप उसके ऊपर टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हो तो वो कैसे बिहेव करेगा सो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए मटेरियल अंडर द टेंसाइल लोडिंग सो हेयर यू कैन सी द स्ट्रेस ट्रेन कर फॉर ए माइल्ड स्टील कंपोनेंट ओके अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स है ए बी सी डी ई राइट तो वही क्वेश्चन है वॉट आर द पॉइंट्स इन ए स्ट्रेस ट्रेंड कर फॉर ए स्टील सो पॉइंट ए दैट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट सो इलास्टिक लिमिट पे इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ अप टू इलास्टिक लिमिट उसके बाद बी दैट इज नोन एज ईल्ड पॉइंट अपर एल्ड पॉइंट C is lower yield point. So यहाँ से इसके बाद जो है A point के बाद yielding होना start होगा B point है आपका upper yield point, C point lower yield point. उसके बाद D that is ultimate stress and E that is breaking stress. Okay? So एक component है उसको आप tensile load उसके ऊपर apply कर रहे हो So up to point A stress will be directly proportional to the strain. उसके बाद A point के बाद उसमें yielding होना start होगा मतलब उसमें नेक फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा डी जो पॉइंट है वो है अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम इतना स्ट्रेस वो कंपोनेंट बेयर कर सकता है ओके okay? और ई e जो पॉइंट है वो है फेलियर पॉइंट मतलब ये पॉइंट पे वो जो कंपोनेंट है वो ब्रेक होगा ओके सो देर आर डिफरेंट पॉइंट्स ओवर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दो पॉइंट्स आर प्रोपोर्शनिटी लिमिट इलास्टिक लिमिट ईल्ड पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस एट फेल्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज पंप वॉट इज टर्बाइन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्बाइन एंड द पंप ओके क्वेश्चन क्लियर कीजिए क्वेश्चन है वॉट इज पंप देन वॉट इज टर्बाइन एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्बाइन एंड द पंप ओके सो ये जो पहला इमेज है ये हो गया आपका सेंट्रोफ्यूगल पंप एंड सेकेंड इमेज दैट इज योर टर्बाइन ओके पेल्टन टर्बाइन टर्बाइन के अलग अलग टाइप है यू कैन क्लासीफाई द टर्बाइन इन टू कैटेगरीज दैट इज इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन इम्पल्स टर्बाइन के अंदर आएगा पेल्टन टर्बाइन वेयर एज इन रिएक्शन टर्बाइन उसमें आएगा आपका फ्रांसिस टर्बाइन एंड कपलांट टर्बाइन ओके सो द क्वेश्चन इज वॉट इज पंप सो हेयर दिस इज योर पंप सेंट्रिफिकल पंप सो द आंसर इज पंप इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी टू द फ्लूड द टर्बाइन डज द अपोजिट ओके okay? अब पंप का पर्पस क्या है वाटर को लिफ्ट करना मतलब जो भी एनर्जी पंप में प्रोड्यूस हो रही है वो ट्रांसफर होगी लिक्विड में उसके वजह से वो लिफ्ट होगा फ्रॉम लो हाइट टू हाई हाइट सो दैट इज द रोल ऑफ योर पंप टर्बाइन का रोल क्या है टर्बाइन जो है वो लिक्विड की एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा ओके okay? वो एनर्जी अपने अंदर लेगा और वो रोटेट होगा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से हाईली प्रेशराइज लिक्विड जो है नोजल से पास होगा और वो इम्पिज होगा टर्बाइन के ब्लेड्स के ऊपर जिसके वजह से टर्बाइन रोटेट होगा और फिर आपको यही शाफ्ट जो है वो जनरेटर के साथ कनेक्ट होगा और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी राइट right? मतलब जो फ्लूड की एनर्जी है वो एब्सॉर्ब कर रहा है टर्बाइन पंप में वैसा नहीं हो रहा है पंप जो है अपनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है सो so, पंप का पर्पस है वाटर को लिफ्ट करना बाय डिलीवरिंग द बाय डिलीवरिंग इट्स ओन एनर्जी टू द लिक्विड वेयर एज टर्बाइन टर्बाइन एब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द लिक्विड एंड देन इट स्टार्ट रोटेटिंग ओके सो इट ट्रांसफर द फ्लो एनर्जी ऑफ़ द फ्लूड टू द मैकेनिकल एनर्जी सो पम्प में क्या हो रहा है जो भी फ्लो एनर्जी जो भी फ्लो एनर्जी ऑफ द फ्लूड टू द मैकेनिकल एनर्जी मतलब सॉरी पंप में क्या हो रहा है आप पम्प की जो एनर्जी है वो लिक्विड में ट्रांसफर कर रहे हैं और वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं वैरस टर्बाइन में क्या हो रहा है लिक्विड की एनर्जी आप ले रहे हो और टर्बाइन को रोटेट कर रहे हो सो दैट इज द डिफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्लो इज डिटरमाइन अगर कोई फ्लोइंग फ्लूड है ओके इट मे बी अ लिक्विड और इट मे बी अ एयर राइट सो कोई फ्लोइंग फ्लूड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिटरमाइन की जाती है सो द आंसर इज इट इज़ डिटरमाइंड बाय रिनॉल्ड नंबर सो एक रिनॉल्ड नंबर है एक नंबर है जिससे आप उस फ्लूड की कैरेक्टरास्टिक्स जो है वो आप बता सकते हो ठीक है अब देखिए यहाँ पे दो टाइप दो अलग अलग लिक्विड है दोनों फ्लो हो रहे हैं अगर पार्टिकल एक ही अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो है मतलब एक ही लाइन में सारे पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं एक दूसरे के साथ वो मिक्स नहीं हो रहे हैं जैसे मान लीजिए आप पत्ते हैं पत्ते का स्टैक है ओके प्लेइंग कार्ड्स है उसका स्टैक है सब एक के ऊपर एक अलग अलग रखे हुए हैं सो so, उस टाइप का अगर फ्लो हो रहा है उस टाइप का अगर फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो को कहेंगे लेमिनार फ्लो वही अगर लिक्विड लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो सब मिक्स हो रहे हैं एयर के पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं ओके तो उस टाइप के फ्लो को कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो राइट अब ये कैसे डिटरमाइन होता है इट इज़ डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ रेनॉल्ड नंबर सो अगर उस फ्लो का रेनॉल्ड नंबर लेस देन टू आता है तो उस फ्लो को कहेंगे लैमिनार फ्लो अगर वो 2300 थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड में आता है तो उसको कहेंगे ट्रांजियन फ्लो और अगर वो फोर थाउजेंड से ज़्यादा है उस उस फ्लूड का रेनोल्ड नंबर तो उसे कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज रेनोल्ड नंबर सो इसके इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने रेनॉल्ड नंबर का सिग्निफिकेंस देखा था नाउ द क्वेश्चन इज़ वॉट इज रेनोल्ड नंबर Okay, so this is the formula for calculating Reynold number. So Reynold number it is denoted by capital R small E R E that is equal to rho V D divided by Mu, where rho that is density of fluid, V velocity of fluid, D diameter of the pipe, and mu dynamic viscosity of the fluid. So the Reynold number is the ratio of inertia force to the viscous force. Inertia force that is rho V L and viscous force that is mu. ओके सो इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज बर्नॉल इज इक्वेशन वाई इट इज यूज ओके सो हेयर यू कैन सी द बर्नॉल इज इक्वेशन वी कैन अप्लाय द बर्नॉल इज इक्वेशन एट टू डिफरेंट सेक्शन ओके सो द प्रेशर हेड प्लस फिलोसिटी हेड प्लस स्टैटम हेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज यूर बर्नॉल इज इक्वेशन ओके और फ्लूड के फ्लो को अगर आपको स्टडी करना है देन यू कैन अप्लाय the bernoulli's equation and you can study the flow of fluid okay so the bernoulli's equation is pressure head plus velocity head plus datum head equal to constant at any point in the fluid next question what is the difference between centrifugal pump and positive displacement pump okay so again we can classify the pump in two categories that is centrifugal pump

जो घर में जनरली यूज़ होता है आप आपके वेल well में यूज़ घर के कुएँ में जो यूज़ होता है वो हो गया आपका सेंट्रिफिकल पम्प नाउ द नेक्स्ट टाइप दैट इज़ पॉजिटिव डिसप्लेसमेंट पम्प सो द पॉजिटिव डिसप्लेसमेंट पम्प यू कैन क्लासीफाईट इन टू रोटरी टाइप रेसिब्रोकेटिंग टाइप एंड द लीनियर टाइप ओके रोटरी टाइप में आते हैं गियर पम्प स्क्रू पम्प एंड द रोटरी वैन पम्प वेर एज इन रेसिप्रोकेटिंग पम्प द प्लंजर पिस्टन डाइफ्रम सरकमफरेंशियल uh, पिस्टन ये सारे हो गए आपके रेसिप्रोकेटिंग पंप लीनियर टाइप में आता है रोप पंप चेन पंप ओके तो ये सारे हो गए आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नाउ द डिफरेंस नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रिफिकल पंप एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप सो आंसर इज इन सेंट्रिफिकल पंप द फ्लो रेट चेंजेस विद द हेड ओके जैसे जैसे आपका ये हेड चेंज होगा जैसे जैसे हाइट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग फ्लो चेंज होगा जो होता है सेंट्रिफिकल पंप में वेयर एज इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आपका हेड कितना भी चेंज होने दो फ्लो में कोई चेंज नहीं आएगा सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रिफिकल एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज कैविटेशन इन सेंट्रिफिकल पंप वाई प्राइमिंग इज डन इन अ सेंट्रिफिकल पंप ओके सो द क्वेश्चन इज वॉट इज कैविटेशन इन सेंट्रिफिकल पंप सो ये हो गया आपका सेंट्रिफिकल पंप राइट और ये हो गया कैविटेशन, सो कैविटेशन से देखिए आपका जो इम्पेलर है वो खराब हो गया है ड्यू टू कैविटेशन सो द आंसर इज इफ़ द सक्शन साइड डेवलप ए प्रेशर लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर देन द वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल एंड क्रिएट वाटर बबल एंड इट विल्स स्पॉइल द इम्पेलर मटीरियल ओके अब देखिए सेंट्रिफिकल पंप है उसमें दो साइड होती है एक है सक्शन साइड दूसरी है डिलीवरी साइड अगर सक्शन साइड में जो प्रेशर है वो आपके वाटर प्रेशर से वाटर वेपर प्रेशर से अगर कम है तो वहाँ का जो लिक्विड है ना वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है अगर वो बॉयल हुआ तो वहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगे वो बबल्स फट जाएंगे जिसके वजह से आपका जो इम्पेलर है सेंट्रिफिकल पम्प पंक, का जो इम्पेलर है वो डैमेज होगा उसे कहते हैं कैविटेशन और इसको अवॉइड करने के लिए प्राइमिंग किया जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट इंजिन एंड हीट पम्प ओके द क्वेश्चन इज वाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट इंजिन एंड हीट पम्प सो हीट इंजिन का एग्जाम्पल है जैसे आपका आई सी इंजिन हो गया दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीट इंजिन हीट पम्प का एग्जाम्पल है जो घर में फ्रिज होता है रेफ्रिजरेटर होता है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीट पंप ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो द फर्स्ट वन इज़ हीट इंजिन जहाँ से आपको वर्क मिल रहा है जैसे आईसी इंजन है आप एनर्जी सप्लाई करते हो इन फॉर्म ऑफ फ्यूल केमिकल एनर्जी आपने सप्लाई किया वहाँ पे कम्बशन होता है और फिर उससे आपको वर्क मिलता है मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो विद द हेल्प ऑफ योर व्हीकल ओके सो वो हो गया हीट इंजन जहाँ से आपको वर्क मिलता है अब नेक्स्ट हीट पम्प हीट पंप में आपको उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है ओके okay? जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है रेफ्रिजरेटर में अंदर का जो टेम्परेचर है वो लो है बाहर का टेम्परेचर हाई है राइट right? कोई चीज़ आप उसमें रख रहे हो रेफ्रिजरेट रेफ्रिजरेटर uh, में ऑलरेडी टेम्परेचर लो है अब जो चीज़ आप रखोगे वो उससे हाइयर टेम्परेचर पे है धीरे धीरे वहाँ पे हीट लॉस होगा और जो टेम्परेचर है उसका कम हो जाएगा सो दैट इज़ हीट पम्प राइट सो नाउ वी विल डिस्कस द आंसर हीट इंजिन प्रोड्यूस वर्क एंड ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर सोर्स मीडियम ओके सो हीट इंजन जो है वो वर्क डेवलप करता है हीट इंज हीट पंप इन हीट पंप एक्सटर्नल वर्क इज़ नीडेड टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर मीडियम अब हीट पंप यानी आपका रेफ्रिजरेटर है जिसमें एक्सटर्नल वर्क डन होता है ओके okay, कंप्रेसर होता है उसमें सो so, ऑलरेडी उसका टेम्परेचर लो है और वहाँ से फिर जो भी कंपोनेंट आप अंदर रख रहे हो जो भी मटेरियल आप अंदर रख रहे हो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो उसका भी टेम्परेचर वो कम कर रहा है

ओके okay. सो so, एक फ्लूड होगा जो वाटर होगा वाटर आप पास करोगे थ्रू द नोजल जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी फिर आप वो इम्पिच करोगे टर्बाइन के ऊपर ब्लेड्स के ऊपर और फिर टर्बाइन रोटेट होगा इसे कहते हैं इम्पल्स टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन के एग्ज़ाम्पल uh, है जैसे कि फ्रांसिस टर्बाइन कपलान प्लान टर्बाइन जिसमें वाटर की जो एनर्जी है वो यूज़ होंगी वो वाटर एंटर होगा सेंट्रली और फिर वो यहाँ पे जो इम्पेलर है उसको रोटेट करेगा राइट right? और फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी सो दैट इज़ योर रिएक्शन टर्बाइन नो वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम सो द इन इम्पल्स टर्बाइन ऑल द प्रेशर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इंटू कानेटिक एनर्जी देखिए इम्पल्स टर्बाइन में क्या हो रहा है सारी जो प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है कानेटिक एनर्जी में यहाँ पे नोजल में और फिर उसे आप इम्पिंच कर रहे हो जिसकी वजह से रोटेट होगा वेर एज रिएक्शन टर्बाइन जो भी एनर्जी है जो भी प्रेशर एनर्जी है वाटर में वो पार्टली कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में और पार्टली कन्वर्ट होगी पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी में राइट right? मतलब प्रेशर एनर्जी ठीक है मतलब रिएक्शन टर्बाइन में क्या होगा वो हमेशा वाटर से भरा हुआ होगा तो कुछ एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है एनर्जी में और कुछ है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और जिसकी वजह से वो टर्बाइन रोटेट होगा क्योंकि वो हमेशा वाटर से भरा हुआ होगा यहाँ पे वैसा है क्या यहाँ पर वैसा नहीं है यहाँ पे वो वाटर से भरा हुआ नहीं है तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी कन्वर्ट होगी जिसके वजह से रोटेट होगा यहाँ पे वो केस नहीं है वाटर से पूरा भरा हुआ होगा कुछ काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी कुछ प्रेशर एनर्जी होगी जिसके वजह से टर्बाइन रोटेट होगा सो दैट इज द डिफरेंस नाउ द लास्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग क्योंकि हर एक वीडियो में हम लोग दस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सो द लास्ट क्वेश्चन इज वॉट इज गियर मॉड्यूल वॉट इज इट्स इम्पोर्टेंट गियर मॉड्यूल क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है ओके okay? सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में अलग अलग गियर एक दूसरे के साथ मेश हो रहे हैं। ये गियर इसके साथ मेश हो रहा है सॉरी ये जो गियर है ये जो गियर है इसके साथ मेश हो रहा है ये गियर इसके साथ मेश है ये गियर इसके साथ मेश है राइट सो right? so, अगर दो गियर आपको मेश करना है तो उनका मॉड्यूल सेम होना बहुत ज़रूरी है तब जाके वो मेश होंगे सो नाउ वॉट इज़ मॉड्यूल ओके द रेशो ऑफ पिथ सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ इन गियर इज़ नोन एज गियर मॉड्यूल ओके सो इसका जो पिच सर्कल डायमीटर है इस इस गियर का इस व्हील का जो डायमीटर है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ इसका जो भी रेशियो आएगा उसे कहते हैं मॉड्यूल तो इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर वो दोनों इक्वल है तब जाके वो दो गियर्स मेश होंगे ठीक है जैसे इसका कुछ डायमीटर है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ अब इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ है और इसका डायमीटर भी ज़्यादा है इसमें थोड़े कंपेरेटिवली टीथ कम है डायमीटर भी कम है लेकिन दोनों का रेशियो अगर सेम आता है मतलब दोनों का मॉड्यूल सेम है तब जाके वो दोनों गियर मेश होंगे ठीक है जैसे इसका मॉड्यूल और इसका मॉड्यूल अगर डिफरेंट है तो ये दोनों गियर कभी भी मेश नहीं होंगे सो दैट इज़ नोन एज मॉड्यूल अब देखिए यहाँ पे गियर टर्मिनोलॉजी मैंने एडिशनली यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अब गियर टूथ टर्मिनोलॉजी में आता है जैसे कि एडेंडम है सो so ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप अप टू द पिथ सर्कल द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ द टूथ टू द दिथ सर्कल दैट इज नोन एज एडेंडम देन डिडेंडम द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पिथ सर्कल टू द बॉटम ऑफ द टूथ दैट इज़ नोन एज डिटेंडम दिस इज फेस ऑफ द गियर टूथ दिस इज़ फ्लैंक दिस इज़ टॉप लैंड दिस इज एडेंडम सर्कल दिस वन इज डिडेंडम सर्कल दिस इज़ क्लियरेंस सॉरी दिस वन इज डिटेंडम सर्कल जो लोअर है डिटेंडम सर्कल दिस इज क्लियरेंस सर्कल देन दिस इज स्पीच सर्कल दिस इज फेस वीड्थ ओके सो ये होगी आपकी गियर टूथ टर्मिनोलॉजी सो so, अगर आप कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू फेस कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए प्ले प्लेलिस्ट विज़िट कीजिए दैट इज़ वन थाउजेंड टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अपनो अपने दोस्तों के साथ ये प्ले शेयर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू